ओके सर। गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी वर स्टडिंग डायमेंशनल एनालिसिस एंड डायमेंशंस। के अंदर भी हम लोगों ने सेकंड वाला उसका एडवांटेज देखा था, ठीक है। सेकंड एडवांटेज ऑफ डायमेंशंस हमने पढ़ा था, जो कि है हमारे पास कि किस तरीके से हम एक गिवन डायमेंशनल फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भी एक डायमेंशनल फॉर्मूले के डिपेंडेंसीज पता हो, किसी भी एक क्वांटिटी की डिपेंडेंसीज पता हो, तो उन डिपेंडेंसीज की मदद से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक मेथड था, ठीक है। अगर सबको यहाँ तक पिछली क्लास याद है और ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो, ताकि फिर अपन आगे चलें। आज अपन इसी एडवांटेज पे 3-4 क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे समझेंगे इसको कैसे करना। यस बेटा, ओके ओके, चलिए। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिराइव वन फॉर्मूला, एक फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये लो बोल रहा है द ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग, द ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन, ठीक है, स्प्रिंग, इसके टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कनेक्टेड एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, ठीक है। तो हमें इसका टाइम का डेरिवेशन करना है, इसका फॉर्मूला डेराइव करना है। सो डेराइव द फॉर्मूला फॉर टी, डेराइव या डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड के फॉर्मूले को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो टाइम पीरियड क्वेश्चन ही कह रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है सबसे पहली चीज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट पे, और दूसरी चीज टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट अपॉन द मास। ये दो चीजों के बारे में हमें बताया जा रहा है। अब हम ये तो पता चल गया कि कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन वी डोंट नो दैट व्हाट इज द व्हाट आर द पावर्स ऑफ दीज टू फंक्शंस, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है फंक्शन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, के की पावर को ए मान लेंगे और एम की पावर को बी मान लेंगे। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं सी, ये लो कॉन्स्टेंट लगा दिया सी, यूजुअली कॉन्स्टेंट के लगाया जाता है लेकिन यहाँ पर मैं सी लगा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करने के लिए LHS और RHS पे जो डायमेंशन है उनको अप्लाई करिए। LHS और RHS पे क्या क्या डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है टाइम, ठीक है, टी टू दी पावर वन, तो बाकी सब जीरो हो जाएगा, m टू दी पावर जीरो एंड l टू दी पावर जीरो। RHS की बात करें तो c तो कांस्टेंट है वैसा का वैसा ही रह गया, k क्या है, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड जो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कह सकते हैं एम टी माइनस टू इज द डायमेंशन। उठा के हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, सो दिस बिकम्स एम टी माइनस टू टू दी पावर ए, एंड आगे हम कर देंगे मास टू द पावर बी। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट, देखो LHS पे मेरे पास बन रहा है m0 l0 t1 इज इक्वल टू c, यहां पर बन रहा है m टू द पावर a प्लस बी एंड t टू द पावर माइनस टू ए। अब कंपेयर करो दोनों साइड्स, कंपेयर करेंगे तो देखो क्या दिख रहा है, m की पावर a प्लस बी, m की पावर जीरो, तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस बी। सिमिलरली
टी की पावर कंपेयर करो तो माइनस टू ए इज इक्वल टू वन, सो माइनस टू ए इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू। ए की वैल्यू अगर माइनस वन बाय टू आ गई तो जब इसकी वैल्यू को इधर पुट करेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस वन बाय टू। अपॉन पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन वी विल गेट टी इज इक्वल टू सी के टू द पावर माइनस वन बाय टू एम टू द पावर वन बाय टू। ठीक है, यहां से अब टाइम निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ एम बाई के, एंड दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, अब किस तरीके से ऑसिलेशन होता है स्प्रिंग का, तो उसका डायग्राम देखो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है और इससे एक मास लगा रखा है, मास है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा डिविएट करूंगा तो ये ऑसिलेट करने लगेगा अपनी जगह से। ठीक है, स्प्रिंग इसको ऑसिलेट करवाने लगेगा, ऑसिलेशन करवाने लगेगा। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है उसके फॉर्मूले को यहां से अपन ने डिराइव किया है, विच इज सी अंडर रूट एम बाई के बाई यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर ये पता लगाइए दैट किस तरीके से हाउ कोई चीज किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में अपन को बोल रखा था, तो जब टाइम पीरियड के बारे में बोल रखा है तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट मैंने स्मॉल सी यहां पर ऐड किया। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत मैंने दोनों तरफ डायमेंशंस को रखा और पावर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ए और बी की वैल्यू को उठा के वापस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो टाइम निकल के आ जाता है विच इज सी अंडर रूट एम बाई के। फटाफट बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस एवरीवन, फास्ट फास्ट बताओ बेटा। चलिए Let us do one more question. एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से इसको समझेंगे। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया है। Let us do one more question. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये भी ऑसिलेशन पे बेस्ड है तो लिख देंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए गैस बबल। मतलब अभी भी टाइम के बारे में ही निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए गैस बबल, ठीक है, अंडर वाटर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर कैपिटल पी, ठीक है, डेंसिटी रो एंड टोटल एनर्जी which is capital E, full stop. Calculate its formula. इसका formula हमें निकालना है। तो देखिए next line में लिखना शुरू करते हैं। ये देखो solution, सबसे पहले पढ़ो question को क्या कह रहा है। देखो time period of oscillation, that means we have to calculate this T. चलिए ये किस किस पर depend करता है, तो time period of oscillation is a function of pressure, it is a function of density and it is a function of energy. So हम लिखेंगे F of P, rho, E. ठीक है, हर एक में वही स्टेप, वही सेम मेथड, सीखते जाओ, बाकी तो बहुत आसान है ये। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, P टू दी पावर E मान लेंगे, रो टू दी पावर B मान लेंगे एंड E टू दी पावर C मान लेंगे। ठीक है, मान लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, कॉन्स्टेंट लगाओ, ये लो लगा दिए। In the next line, we will apply the principle of homogeneity. कैसे apply की जाती है? LHS और RHS पे dimensions को बराबर करके। So LHS पे क्या दिख रहा है मुझे, m to the power 0 दिख रहा है, l to the power 0 दिख रहा है और t to the power 1 दिख रहा है। ठीक है, बट ऑन दी आर एच एस k तो ऐसा का ऐसा। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज mlt माइनस टू, एरिया इज l स्क्वायर, सो द आंसर बिकम्स ml माइनस 1t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये लो उठा के यहां पर रखो, ml माइनस 1t माइनस 2 पावर a।
Similarly, what is density? Density is mass upon volume. So mass L to the power minus 3. This is the dimension. So we can write M L to the power minus 3 power B. Now in the next, we will find the energy. Energy kya hoti hai? M L to T minus 2 to the power C. ठीक है, वापस से वही चीज कंपेयर करना है दोनों तरफ. कंपेयर कैसे करेंगे? पहले इस तरफ लिखो m0 l0 t to the power 1 is equal to k m to the power a दिख रहा है मुझे, फिर m to the power b दिख रहा है, फिर m to the power c दिख रहा है, फिर l की पावर माइनस ये दिख रहा है, l की पावर माइनस 3 भी दिख रहा है, l की पावर 2 c दिख रहा है, फिर t की पावर माइनस 2a दिख रहा है और t की पावर माइनस 2c दिख रहा है. ध्यान से देखो, मैंने यहां से क्या फाइंड आउट कर लिया, तीनों के इक्वेशंस के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना ली. अब इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में दोनों तरफ क्या करेंगे? कंपेयरिंग. आइए कंपेयरिंग करते हैं. एलएचएस पे क्या दिख रहा है? m की पावर में 0. आरएचएस में दिख रहा है a plus b plus c. फिर l की पावर minus a minus 3b plus 2c is equal to 0. एंड t की पावर में क्या है? तो minus 2a minus 2c is equal to 1. So from this, देखो third equation को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 minus 2 common ले लिया, अंदर बचा a plus c. ठीक है, a plus c की value यहाँ से क्या निकली? minus 1 by 2 निकली. ठीक है, इसको मैं third equation नाम दे रहा हूँ. इस third equation को उठा के क्या मैं first equation में रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ. मैं a plus c की value उठा के first equation में रख दूंगा. ठीक है, तो next line में we can write putting थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन. जैसे मैं पुट करता हूं तो दिस बिकम्स 0 इज इक्वल टू a प्लस c, मतलब माइनस 1 बाय 2 प्लस b. सही है कि नहीं? क्लियर सी बात हो रही है. और यहां से b की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 1 बाय 2 डायरेक्टली. देखो कितना आराम से 1 बाय 2 की वैल्यू निकल के आ गई b की वैल्यू. अब इस b वैल्यू को ऊपर उठाएंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. B value को अपन उठाएंगे और second equation में put कर देंगे. Put करिए तो क्या बनता है? ये बनता है minus a minus 3 by 2 plus 2c is equal to 0. Or we can write 2c minus a is equal to 3 by 2. So this is fourth number equation. ठीक है, मैंने b की value को उठाया और second equation में put कर दिया. अब देखो मेरी थर्ड इक्वेशन को देखो, a plus c में है. मेरी फोर्थ इक्वेशन देखो, a और c के अंदर है. टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास मेथड होता है. कैसा मेथड होता है? देखो, a plus c is equal to minus 1 by 2 and 2c minus a is equal to 3 by 2. दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. दोनों को ऐड कर देते हैं. ऐड करते ही देखो क्या कैंसिल हो रहा है? a से a कैंसिल हो रहा है और मेरे पास LHS बन रहा है 3c. एंड RHS पे क्या बन रहा है? 3 by 2 minus 1 by 2. ठीक है, यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 3c is equal to, ठीक है, this becomes 2 by 2 और c की वैल्यू क्या बन गई? 1 by 3 बन गई. This is the value of c. सिंपल सी बात, बहुत ही आराम से, बड़े ही आराम से अपन ने c की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया, 1 by 3. नाउ अपन क्या करेंगे? इस c की वैल्यू को उठाएंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे. किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे. तो इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूं, ये बनेगा 2 by 3 minus a is equal to 3 by 2. So 2 by 3 minus 3 by 2 is equal to a. And next line में LCM लिया 6. ठीक है, this becomes 4 minus 9. सही है, this becomes 4 minus 9. So the answer becomes minus 5 by 6 is equal to a. And this is the value of a. अब आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा tough था calculation. तीन equations बन गई थी बड़ी-बड़ी. उन तीन equations को solve कैसे किया? तीन equation को solve करने के लिए थोड़ा सा चालाकी की, third equation से a plus c की value उठाई, first में put करी. ठीक है, वहाँ से b की value निकाली. फिर b की value को उठा के अपन ने second में put कर दिया, तो a और c में दो equation बन गई. ठीक है, फिर उनको solve किया. उनको solve करने के बाद हमारे पास a और c की भी values आ गई है. तो finally हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है? फाइनली वी आर गेटिंग दैट फॉर्मूला
अगर बात करूं तो क्या बन रहा है मेरे पास, टी इज इक्वल टू के पी टू दी पावर ए था, पी टू दी पावर ए था तो मैं लिख सकता हूँ पी टू दी पावर माइनस फाइव बाई सिक्स, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी टू दी पावर बी, बी इज वन बाय टू, एंड एनर्जी टू दी पावर सी विच इज एनर्जी टू दी पावर वन बाय थ्री, ये फॉर्मूला बन रहा है। इसको अगर नेक्स्ट टाइम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें अपन तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि रो टू दी पावर हाफ एनर्जी टू दी पावर वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय डेंसिटी प्रेशर टू दी पावर प्लस फाइव बाय सिक्स। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है के अंडर रूट ऑफ रो दिस बिकम्स क्यूब रूट ऑफ एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय दिस बिकम्स सिक्स्थ रूट ऑफ पी स्क्वायर पी की पावर फाइव। तो ये मेरे पास टाइम का फॉर्मूला यहां से निकल के आ जाता है। दिस इज समवॉट अ टफ क्वेश्चन, क्यों टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। हालांकि कैलकुलेशन ज्यादा होने से हमें नहीं डरना, हम जानते हैं यहाँ पर मेथड एकदम एग्जैक्ट सेम है जैसा पहला किया। फटाफट बताइए इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो आप अपने आप अनम्यूट करके मुझे बता दो। सर आई हैव अ डाउट। यस। अब सर जैसे ये जो डायमेंशंस होती हैं सर, इसकी आप टेबल भेज दोगे क्या एक बार? इसके नोट्स मिल जाएंगे अभी आपको दो दिन में, तो उस नोट्स के अंदर सारी टेबल होंगे, मतलब 50-60 डायमेंशंस होंगे, सारी डायमेंशंस होंगी। सर सही में इसका सर मतलब नीट और जेईई में क्वेश्चंस आते हैं कैसे? हां हर साल एक आता है। कि मतलब ये फॉर्मूला ड्राइव करना है? फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना, कि पिछले साल क्वेश्चन आया था एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, ये क्वेश्चन आया था। अब एप्सिलॉन नॉट आप पढ़ते हो 12th क्लास में, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली हाँ आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, चार ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था कौन सा डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का होता है। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी। तो आपको पता है कि डायमेंशन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। Yes, sir. सही है, ठीक है। Yes, sir. तो यही सिंपल सी चीज है। चलिए नहीं इधर डाउट्स, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, बॉल of radius r falling under gravity through a liquid ठीक है of viscosity mu attains a velocity v, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन को दे रहा है कि एक बॉल है जिसकी रेडियस r है, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल कर रही थी, उस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल कर रही थी कहां से, एक मीडियम से, एक लिक्विड से जिसका विस्कोसिटी जो है वो म्यू, ठीक है, अटेन्स ए वेलोसिटी v, एक वेलोसिटी v को अटेन कर लेती। चलिए दिस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी कॉमा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट w, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द बॉल बॉल के रेडियस पे डिपेंड करती है, ये अपन को बोल रहा है। सो कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर, सो डेराइव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, नो डिफरेंस इन इट। क्या पूछा? वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो ये लो वेलोसिटी, किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, द फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी, then weight of an object,
एंड रेडियस ऑफ द बॉल, सो रेडियस ऑफ द बॉल, ये फंक्शन बन गया. नेक्स्ट लाइन में हम क्या मान लेंगे, चलो विस्कोसिटी टू द पावर ए, वेट टू द पावर बी एंड रेडियस टू द पावर सी, एग्जैक्ट सेम मेथड. वापस से वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी या टाइम कांस्टेंट लगाएंगे, म्यू टू द पावर ए, डब्ल्यू टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी, सही है. नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे इनका डायमेंशन क्या क्या होता है. सो डायमेंशंस, LHS पे है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, देख चुके हैं. पर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नई चीज आई है. विस्कोसिटी होता क्या है, देखो अगर आप एक जार के अंदर से, एक जार में आपके पास हनी है, ठीक है, देयर इज वन जार एंड इन दैट जार यू हैव हनी, ठीक है, इस जार को अगर आप उल्टा करोगे तो हनी बहुत ही धीरे धीरे रेजिस्टेंस शो करता हुआ धीरे 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 नीचे फ्लो करेगा. लेकिन अगर इसी सेम जार में आपके पास वाटर है, उस वाटर को आप फ्लो करोगे इजीली ये फ्लो कर जाएगा, ठीक है. तो यहां से मुझे पता चलता है कि सभी का, सभी लिक्विड्स का फ्लो जो है वो एक जैसा नहीं होता, कुछ धीरे धीरे फ्लो करते हैं, कुछ तेज फ्लो करते हैं, एंड दिस फ्लो डिपेंड्स ऑन इट्स विस्कोसिटी. ये फ्लो जो है ये उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये फ्लो डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी पे. अब विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है. कैसे आता है ये हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखना है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन, सीधी सिंपल सी बात. नेक्स्ट इज रेडियस, रेडियस इज एल ओनली, ठीक है, रेडियस तो लेंथ है. आइए अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या मिलता है अपन को, तो ये लो वेलोसिटी एल टी माइनस वन इज इक्वल टू के, ऐसा कैसा, विस्कोसिटी वी कैन राइट एम एल माइनस वन टी माइनस वन पावर ए. आगे लिखा है वेट, बेटा नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा वेट एंड मास, हु कैन टेल मी द डिफरेंस, कोई भी एक जना बताओ. What is the difference between weight? Yes, yes. Sir, weight includes gravitation. Sir, mass के साथ gravity force भी लगता है sir. Gravitation force को भी consider करते हैं. The mass is constant and weight is variable. Weight is variable, but what is the density? What is the basic difference? Mass is matter. Mass is the matter through which body has been made up of. वो matter जिससे body बनी है उसको mass कहेंगे. And what is weight? Weight is the force of gravitation, the force with which the earth pulls pulls any object downwards. Earth के द्वारा लगाया गया जो force होता है उसको weight कहते हैं, ठीक है. तो weight is nothing but the force with which the earth is pulling us downwards. So force है तो force का dimension क्या होता है, m l t minus 2. ये लो weight की जगह हमने directly क्या लिखा, m l t minus 2. And the radius is L, so L to the power C. Now, यहाँ पर LHS पे देखो तो M की power 0 होगी. Put करते हैं. So M to the power 0, L to the power 1, T to the power minus 1 becomes K equals M to the power A plus B, then L to the power minus A plus B plus C and T to the power minus A minus 2B. ये equation बन जाता है मेरे पास. Now we will compare LHS to the RHS. Left hand side RHS के बराबर put करो तो देखो क्या बन रहा है मेरे पास. इधर बन रहा है A plus B is equal to zero. M को compare करने पे, L को compare करने पे बन रहा है minus A plus B plus C is equal to one. And finally we are comparing minus A minus 2B which is equal to minus one. Now see what is happening. A plus B is equal to zero, so A is equal to minus B. ये first equation बनी, यहाँ से मेरे पास first equation बन गई. अब मैं क्या करूँगा, इस A equal to minus B को इसमें भी put करूँगा और इसमें भी put करूँगा, ठीक है. Last equation में अगर put करता हूँ तो this becomes minus of minus B minus 2B is equal to minus 1. Solving it, what we will get? This becomes B minus 2B is equal to minus 1. Or we can say that this is minus b is equal to minus 1. B ki value kya gayi? 1 gayi. Directly b ki value kya gayi? 1. Agar b ki value 1 gayi hai,
तो ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के आज क्या आ जाएगी, -1। माइनस, बिल्कुल सही बात। अब हम इसको थर्ड सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो -1 × -, ठीक है, देन +1 + c = 1, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट 1 + 1 + c = 1, ये 1 से 1 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई -1। दैट मींस ए बी सी की जो भी डायमेंशंस थी वो अपन ने पुट की, ए बी सी की वैल्यू निकाली, ठीक है, पावर्स को सॉल्व किया। अब इसको उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू के विस्कोसिटी टू द पावर ए, विस्कोसिटी टू द पावर -1, क्लियर, वेट टू द पावर बी, तो वेट टू द पावर 1, एंड रेडियस टू द पावर सी, व्हिच इज रेडियस टू द पावर -1। सो द फॉर्मूला बिकम्स v इज इक्वल टू के w अपॉन म्यू आर, w अपॉन म्यू आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वेरी सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना आपको, डिपेंडेंसी देखनी है, डिपेंडेंसी देखने के बाद आप दोनों तरफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ और आंसर निकालो। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल नहीं है, एवरी क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन, प्रोवाइडेड कि आपको डायमेंशन याद हो। अगर आपको डायमेंशन याद है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, डायमेंशन अगर नहीं याद है तो नहीं होगा। मेथड सबका सेम, ऐसा समझो दिस इज मैथ्स ओनली। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हैंड रेज मत करो, बताओ यस और नो। फास्ट फास्ट टेल मी। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड सर। ये ड्राफ्ट भेज दोगे क्या ग्रुप में? आज आज ग्रुप में पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। ओके थैंक यू सर। हाँ, कल से नया चीज शुरू करेंगे तो आज डायमेंशंस मोर और लेस ओवर हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस और होनी चाहिए। सी, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, अभी कल तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा इसी पे बेस्ड, नीट और एम्स में आ रखे क्वेश्चन, तो हम लोग देखोगे कि यार ये तो बहुत ही आसान है, प्रोवाइडेड आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से यू कैन कैलकुलेट। सी, अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए, टाइम पीरियड टी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैपिटल आर, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी एंड मास एम। फाइंड द फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पर डायमेंशंस लिख रहा हूं, देखो, टाइम कैपिटल टी, आर रेडियस एल, मास कैपिटल एम, एंड जी विच इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट विच इज एम एल माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है। ये मेरे पास सारी डायमेंशंस है। अब जो जिसको मेथड समझ में आ गया है ना, वो घर पे सॉल्व करते रहो, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखते कौन पहले आंसर निकालता है। सॉल्यूशन विल बी टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस जी एंड एम। नाउ लेट अस कंसीडर द पावर्स, द पावर्स क्या आएंगी, जी टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट जी टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, आर टू द पावर सी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर दो दोनों तरफ, बोथ साइड्स। LHS पे क्या आएगा, m पावर 0, l पावर 0, t टू द पावर 1, RHS पे k, g टू द पावर a, तो g का डायमेंशन लिखा, पावर a लिख दी, m टू द पावर b, सो m टू द पावर b, एंड l टू द पावर c। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, How we will compare? LHS पे आ रहा, देखो, M0, L0, T1, RHS पे आ रहा K, M to the power minus A,
प्लस बी, एल टू दी पावर 3a प्लस सी एंड टी टू दी पावर ओनली माइनस 2a. सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, माइनस 2a बिकम्स 1, a बिकम्स 1/2. ठीक है, क्लियरली a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई. m की पावर कंपेयर करो तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सो a इज इक्वल टू b. अगर a हाफ है तो b भी हाफ ही होगा. ये लो b का डायमेंशन भी आ गया, b की वैल्यू भी आ गई. c की वैल्यू पुट करते हैं, देखो 3a प्लस c, ठीक है, l की पावर अपन यहाँ पर l की पावर कंपेयर कर रहे हैं, तो 3a प्लस c इज इक्वल टू जीरो. a की जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 3/2 प्लस c इज इक्वल टू जीरो. c की वैल्यू यहाँ से आ जाती है माइनस 3/2. c की वैल्यू यहाँ से आ जाती है माइनस 3/2. उठा के हम इन तीनों वैल्यूज को टाइम के फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो टाइम के फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज को पुट करो, देखो क्या आ रहा है. दिस बिकम्स t इज इक्वल टू k g टू द पावर हाफ m टू द पावर हाफ. ठीक है, g टू द पावर हाफ m टू द पावर हाफ बट r टू द पावर माइनस 3/2. r टू द पावर माइनस 3/2. यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया. अब क्या करना है इसको, इस बार रीअरेंज तो करना है. रीअरेंज करते ही फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया. सो यू कैन सी, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. हर क्वेश्चन में आप सबसे पहले यही चेक करो दैट विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड आउट. तो यहाँ पर फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को LHS पे लिख दिया. फिर अपन ने देखा इट डिपेंड्स ऑन रेडियस, इट डिपेंड्स ऑन जी, इट डिपेंड्स ऑन मास, तो RHS पे लिख दिया. फिर प्रोपोर्शनलिटी लगाया, पावर लगाई एंड सो ऑन सो फोर्थ चलते गए. ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड आउट, और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को करते जाइए. आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा. ये पूरी की पूरी PDF फाइल मैं अभी आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ. ठीक है, पूरी की पूरी PDF फाइल आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने कोई चीज मिस कर दी है तो आप उसको देख लेना. चलिए, किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज हम आज की क्लास खत्म करते हैं. सर ये सारा सर कॉपी में करना है? ये कॉपी में नहीं करना, ये क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम क्लास में कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, बट आफ्टर जब मैं नोट्स आपको भेज दूंगा. अभी मैं नोट्स भेजूंगा तो जैसा नोट्स मिलेगा वो कॉपी में करना है आपको, अभी कुछ नहीं करना है. ये तो आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो, थोड़ा सा रिवाइज करो. ठीक है गौतम? यस सर. चलो तो क्लास को खत्म करते हैं. विल मीट अगेन टुमारो. ग्रुप पे जो मैं चीजें भेज रहा हूँ उसको आज में रिवाइज करोगे आप. ठीक है, देखोगे बहुत अच्छे से. चलिए क्लास को खत्म करते हैं.